हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे सिल्विया प्लाथ की पोएम पर्दा। सो पर्दा इज अ हिंदी लाइक हिंदी वर्ड से आई इंग्लिश में गया है। तो पर्दा वी ऑलरेडी नो इट मींस कर्टन। आई एम एक्सप्लेनिंग हिंदी वर्ड्स नाउ। ओके एनीवे, वी ऑल नो व्हाट इज पर्दा। तो ये जो पोएम है, एक्चुअली अभी तक हमने जो इनकी पोएम्स पढ़ी हैं और समझी हैं, तो उसमें हमें दिखाई दिया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आदमियों को ऐसे दिखाया है जैसे कि आदमी उन्हें परेशान कर रहे हैं। बिकॉज थ्रू आउट द लाइफ उनको यही लगा कि आदमियों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, बट शी इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट एज समथिंग लाइक अ ज्वेलरी, लाइक कुछ वैल्यूएबल सी जो चीज़ है वैसे वो इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट एज अ ह्यूमन और एज अ पर्सन उनका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है इन आदमियों की लाइफ में। तो इसीलिए वो हमेशा विक्टिमाइज्ड फील करती रही, इनकम्प्लीट फील करती रही। बट इस पोएम में जो है उन्होंने आगे बढ़ के उन्होंने बोला है कि नाउ आई विल कम बैक या फिर आई विल राइज एज अ लायनेस, एक शेरनी की तरह मैं बाहर निकलूंगी और अपना खूंखार या अपना जो स्ट्रॉन्ग साइड उन्होंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ इस पोएम में। ये पोएम भी जो है तीन तीन लाइन के स्टैंजास में डिवाइडेड है, बहुत ही क्विक लाइन्स हैं, शॉर्ट लाइन्स। सो आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द पोएम हियर इन दिस वीडियो। जेड स्टोन ऑफ द साइड द एंटेगनाइज्ड। जेड यानी एक पत्थर होता है, ग्रीन कलर का एक पत्थर होता है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो एक्चुअली हमें एक इमेज देने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे एक यूजुअली होता है ना, टिपिकल लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक के ऊपर एक पैर डाल के हाथ को घुटनों के ऊपर रख के लाइक लेडी लाइक जैसे वो बैठते हैं, तो वैसे वो बोल रही है कि जेड के पत्थर पे स्टोन ऑफ द साइड द एंटेगनाइज्ड ऐसे करके उनको बिठा ला गया है। एंटेगनाइज करने का मतलब होता है कि आप किसी को गुस्सा दिलाओ या आक्रामक होने पर उन्हें मजबूर कर दो। साइड ऑफ ग्रीन एडम आई स्माइल क्रॉस लेग्ड इनेगमेटिकल, यानी कि जो एडम है, ग्रीन एडम, ग्रीन यानी जो पत्थर है, जेड पत्थर वो ग्रीन कलर का होता है, एडम यानी ऑफकोर्स एडम एंड ईव का रेफरेंस दिया है। वो कह रही है कि आई स्माइल, मैं स्माइल कर रही हूँ क्रॉस लेग करके मैं बैठी हुई हूँ, और एनिगमेटिकल यानी लाइक इंचांटिंग सा कि ऐसा कुछ मिस्टिकल जो आपको अपने आप खींचेगा अपनी ओर, ऐसा कुछ। शिफ्टिंग माई क्लैरिटीज सो वैल्यूएबल हाउ द सन पॉलिशेज देयर शोल्डर, वो अपनी क्लैरिटीज जो हैं उनको शिफ्ट कर रही हैं, अपने जो विचार हैं उनके बारे में वो सोच रही हैं कि यू नो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना, उसको कंटेम्पलेट करना कि आप जो कर रहे हो क्या ये वो, ऐसे वो बैठ के सोच रही हैं। एंड शुड द मून माई इनडिफटिगेबल कज़िन, अब इनडिफटिगेबल का मतलब होता है कि जो कभी थकता नहीं है या जो उनके जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, वो कभी थकते नहीं, वो हार के ये नहीं कहते कि चलो हो गया अब आई एम डन। वो कह रहे हैं कि मून जो है वो मेरा कज़िन है और वो कभी थकता नहीं है, वैसी ही कोशिश वो कर रहा है। Rise with her cancerous pillars, dragging trees, little bushel polyps. तो ये जो मून है जो कभी थकता नहीं है वो क्या करता है, वो राइज करता है यानी वापस उगता है। जैसे शाम होती है सूरज ढल जाता है, तो ये मून जो है जो चांद है वो उगता है। With her cancerous pillars, pillars यानी कोई जो ऐसा पेल दिखने में लाइक पीले पीले नहीं पड़ जाते, जब कोई बीमार होता है तो वो पेल हो जाते हैं, वैसे अपीयरेंस के साथ वो आता है। ड्रैगिंग ट्रीज लिटिल बुशी पॉलिप्स, जो पेड़ पौधे हैं जो ट्री हैं उनको वो खींच रहा है, और पॉलिप्स यानी कोई भी क्रीचर्स जो हुए उनके बारे में बोल रहा है कि उनके साथ में जो छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं जो ट्रीज के साथ में रात के वक्त निकल आते हैं, वैसे ही उनके साथ में जो मून है वो भी निकल रहा है। लिटिल नेट्स माई विजिबिलिटी इज़ हाइट आई ग्लीम लाइक अ मिरर, अब छोटे छोटे जो ये नेट हैं और जो मेरी विजिबिलिटीज़ यानी मैं जो दिख रही हूँ वो छुप जाता है, और जैसे कोई चमकता हुआ मिरर हो, कांच हो, वैसे ही मैं चमक रही हूँ। एट दिस फैसेट द ब्राइड ग्रूम अराइव्स लॉर्ड ऑफ द मिरर्स इट इज़ हिमसेल्फ ही गाइड्स, वो कह रही है कि अब जब ये सब कुछ हो रहा है यानी आपको दिख रहा है कि रात हो रही है और वो जो है फीमेल या जो लेडी है वो पत्थर पे बैठ के सोच रही है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और इसी वक्त जो है ब्राइड ग्रूम यानी जो आदमी है वो आया लॉर्ड ऑफ द मिरर्स, तो अब ये तो सिर्फ एक मिरर की तरह चमक रही है लेकिन ये जो आदमी है ये इन मिरर्स का भगवान है। इट इज़ ही हिमसेल्फ ही गाइड्स यानी कि वो जो है अपने आप को रास्ता दिखा रहा है। इन अमंग दीज सिल्क स्क्रीन्स दीज रसलिंग अपर्चन्स आई ब्रीद एंड द माउथ, तो अब ये जो सिल्क की स्क्रीन है और अपर्चन्स का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी एक्सेसरी या आइटम जो कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या स्टाइल के साथ में, कोई भी लाइक एक एक्सेसरी आप मान लीजिए, तो उसके साथ में वो है। आई ब्रीद एंड द माउथ व्हील स्टर्स इट्स कर्टन माई आई व्हील इज, तो क्योंकि ये जो सांस ले रही है उससे जो कर्टन है वो हिल रहा है। माई आई व्हील इज अ कॉन्केटनेशन ऑफ रेनबो, मेरी आँखें जो हैं और ये जो व्हील है, व्हील यानी जो
दुल्हन लोग क्रिश्चियन लोग में आपने देखा होगा कि वो अपने चेहरे पे ऐसा नेट का जो है कवर करके बैठी रहती है, उसकी वो बात कर रहे हैं। अ कॉन्केटनेशन ऑफ रेनबोस, कॉन्केटनेशन यानी कोई भी चीज़ जो आपस में लिंक है, इट्स इंटरकनेक्टेड। तो मेरी जो व्हील है ये रेनबो का कॉन्केटनेशन है। आई एम हिज इवन इन हिज एब्सेंस, मैं उसकी हूँ इवन इन हिज एब्सेंस, चाहे वो हो ना हो लेकिन मैं फिर भी उसकी हूँ। आई रिवॉल्व इन माई शीथ ऑफ इम्पॉसिबल, शीथ यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम प्रॉपर फिटिंग की, लाइक एकदम कवर करके रखी हुई, जैसे चाकू के ऊपर का जो कवर होता है लाइक एकदम उसके लिए ही बना हुआ है, टाइट एकदम कवर वैसा। तो आई रिवॉल्व इन माई शीथ ऑफ इम्पॉसिबल्स, कि मेरे जो इम्पॉसिबल कवर्स हैं मैं उसके अंदर घूम रही हूँ, रिवॉल्व कर रही हूँ। प्राइसलेस एंड क्वाइट अमंग दीज पार्किट्स मकाउस ओ चार्टर्स, अब प्राइसलेस यानी कोई वैल्यू नहीं है और क्वाइट मैं एकदम शांत हूँ। अमंग दीज, ये जो पार्किट्स और मकाउस की बात की गई है ये पक्षी हुए, पार्किट्स भी तोते की तरह हुए और मकाउस जो लंबी टेल वाले तोते होते हैं वो। ओ चार्टर्स अटेंडेंस ऑफ द आई लैश आई शैल अनलूज वन फैदर लाइक पीकॉक, अब वो अटेंडेंस को कह रही है कि आँखों के जो अटेंडेंस हैं यानी आई लैश यानी पलक जो हैं वो अनलूज होंगे, वन फैदर लाइक अ पीकॉक, जैसे कि जो मोर होता है उसका एक एक पंख उड़ता है, एक एक करके निकलता है। अटेंडेंट ऑफ द लिप आई शैल अनलूज वन नोट, तो अब वो कह रही कि जो मेरे लिप्स को बचाने के लिए जो उनके अटेंडेंस है उनको वो बता रही है कि मैं एक एक नोट करके छोड़ूंगी। नोट यानी जो बोलते वक्त या गाते वक्त हमारे मुँह से जो नोट्स निकलते हैं वो। शैटरिंग द शैंडलियर ऑफ द एयर दैट ऑल डे फ्लाइज इट्स क्रिस्टल अ मिलियन इग्नोरेंस अटेंडेंस, अब जो शैंडलियर यानी जो ऊपर झूमर लगा होता है उसको तोड़ के आगे बढ़ते हुए, ऑफ द एयर दैट ऑल डे फ्लाइज, वो हवा जो पूरे दिन यहाँ से वहाँ जाती है, वो हवा जो पूरे दिन यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है, इट्स क्रिस्टल अ मिलियन इग्नोरेंस अटेंडेंस, अब वो जो शैंडलियर है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, तो उसके जो क्रिस्टल हैं जो उसके टुकड़े हैं वो इग्नोरेंस मिलियन इग्नोरेंस की तरह यहाँ वहाँ अटेंडेंस की तरह घूम रहे हैं। अटेंडेंस एंड एट हिज नेक्स्ट स्टेप आई शैल अनलूज, वो कह रही है और उसके अगले स्टेप पे मैं वापस आई विल अनलूज, आई शैल अनलूज फ्रॉम द स्मॉल जूल डॉल ही गार्ड लाइक अ हार्ट, ये जो आदमी है ये मुझे एक गुड़िया की तरह गार्ड करके रखता है, जैसे कि मैं कोई खिलौना हूँ या फिर मैं कोई महंगा कीमती सा जूल हूँ यानी कोई गहना हूँ, वो वैसे मुझे गार्ड करके रखता है ये आदमी, जो ये मुझे इस तरीके से बंद करके रखता है। द लायनेस द श्रीक इन द बाथ द क्लोक ऑफ होल्स, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं वो लायनेस हूँ, मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, मैं कोई जूल नहीं हूँ, मैं तो लायनेस हूँ, मैं एक शेरनी हूँ। द श्रीक इन द बाथ द क्लोक ऑफ होल्स, तो अब यहाँ पे जो अपना फियर्सनेस बाहर निकल के हम सबको दिखा रही है कि आई एम सो फियर्स, और अब वो जो है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी और आदमी की ज़रूरत नहीं है जो उन्हें आके बचाएगा, बट शी इन हर सेल्फ इज़ इनफ दैट शी कैन फाइट एवरीवन एंड शी कैन लिव हर ओन लाइफ।